अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कंपाउंड चॉकलेट कैसे मेल्ट करते हैं वो दिखा रही हूँ माइक्रोवेव में और गैस पे। चलिए शुरू करते हैं। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ मोर्डे कंपनी का डार्क चॉकलेट लिया है। ये 400 ग्राम का है। इसे सबसे पहले कट कर लेंगे। 100% वेजिटेरियन है यहाँ पे दिया है। ये 400 ग्राम का है। एक एक स्लैब 100-100 ग्राम का है। ये इसका आधा तोड़ लूँगी। मैंने 200 ग्राम लिया है, दो लिया है। बाकी का इसके अंदर डाल के इसे एयर टाइट करके जिप लॉक बैग में डालिए या एयर टाइट डब्बे में डाल के बाहर ही रखिए, फ्रिज में मत रखिए। इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ऐसे करने से चॉकलेट जल्दी मेल्ट हो जाएगा। सारी चॉकलेट को चॉप कर लूँगी। देखिए सारे चॉकलेट को चॉप कर लिया है। गैस पे भगोना रखा है। देखिए इतना सा पानी रखा है इसके अंदर। इसके ऊपर एक देखिए एक बाउल रखा है, बोरोसिल का है, के ऊपर रखूँगी। ये अच्छे से सूखा वाला होना चाहिए। इसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसके अंदर ये चॉकलेट डाल दूँगी। अब इसे ऐसे ही घुमाते हुए पिघला लेंगे। देखिए अंदर पिघल रही है चॉकलेट। नीचे गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम लो पे रख के पका रही हूँ। देखिए चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। देखिए चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। ये कितनी क्रीमी बनी है। ऐसे मेल्ट करके कोई भी मोल्ड्स में डाल के रखिए। माइक्रोवेव में पिघला लेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम का एक स्लैब लिया है। इसे चॉप कर लेंगे। ऐसे क्रेप कर लीजिए या फिर चाकू से तोड़ लीजिए। छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए। मैं सारे छोटे पीसेस में कर लूँगी। देखिए मैंने चॉप कर लिया है। इसे माइक्रोवेव में पिघला लूँगी। हाई पावर पे 30 सेकेंड्स के लिए रखूँगी। ये देखिए 30 सेकेंड्स के लिए रखा था, ऐसे पिघला है। फिर 30 सेकेंड्स के लिए रखूँगी इसे। देखिए ऐसे चॉकलेट पिघल चुकी है। मैंने शुरू में 30 सेकेंड्स रखा था, उसके बाद फिर 30 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद फिर 30 सेकेंड्स के लिए, तीन बार 30 30 सेकेंड्स के लिए रखा है और चॉकलेट पूरी पिघली है। ऐसे ही मेल्ट कर लेना होता है माइक्रोवेव में चॉकलेट को। देखिए मैंने यहाँ सिलिकॉन के मोल्ड्स लिया है। ऐसे सिलिकॉन का मोल्ड आपके पास है तो उसमें डालिए या फिर आइसिंग ट्रे में डालिए। ऐसे ही सारे मोल्ड्स में डाल लूँगी। ये सारे मोल्ड्स में मैंने डाल के सेट होने के लिए रखा। चॉकलेट सेट हो चुके हैं। सिलिकॉन मोल्ड से निकाल लेंगे। ये कितने अच्छे बने हैं, कितने ग्लॉसी बने हैं चॉकलेट्स। सारे चॉकलेट्स को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ सारे चॉकलेट्स को निकाल लिया है और अच्छे से टेम्पर हुए हैं ये। देखिए हाथ को भी नहीं चिपक रहा चॉकलेट। इसे आप चॉकलेट पेपर में रैप करके रखिए या फिर क्लीनिंग पेपर लेकर किचन क्लीनिंग पेपर में रैप करिए। मैं उसमें ही रैप करके रखूँगी। जब मन चाहे तब लेके खाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।